यहाँ योगा ग्राम में आदरणीय डॉक्टर हमारे नीरज जी के नेतृत्व में और हमारे राजपूत जी के कुशल प्रबंधन में करीब 150 से 200 प्रकार के विविध प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य साधकों को नैसर्गिक प्राकृतिक नेचुरोपैथी का योग का ये सब उपचार दिया जाता है। और इसमें उपचार में ये हम आपको पिछले वाले हिस्से में ले आए हैं, यहाँ तो दाई तरफ तो पूरा हॉल है, अभी ऐसा ही एक हॉल और बन रहा है क्योंकि अब ये कैपेसिटी ये छोटी पड़ गई थी, इसको बढ़ाया जा रहा है। ये पीछे जो है जितने भी यहाँ सेवा देने वाले लोग हैं, करीब 700 लोगों की सेवा के लिए करीब 300 लोग यहाँ पर उपचारक के तौर पर और अन्य व्यवस्थाओं के तौर पर, माने हर एक रोगी के ऊपर 2 व्यक्ति किसी न किसी रूप में, माने सफाई से लेकर के और उसके अलग अलग प्रकार के प्रबंधन से लेकर के और जो थेरापिस्ट जिसको बोलते हैं और डॉक्टर्स तक, करीब यहाँ 700 रोगियों को आरोग्य हम दे रहे हैं। तो उसके लिए करीब 300 से 350 लोगों की दूसरी भी व्यवस्था की गई है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये नई आवास की व्यवस्था की गई है। जो उपचारक हैं थेरापिस्ट हैं उनके लिए पहले एक पुरानी और व्यवस्था थी, यहाँ मेरे साथ में यहाँ ये पिछले 7-8 सालों में यहाँ ये जो है आंवले का बाग, अभी भी कुछ आंवले के फल उधर लगे हुए हैं एक पेड़ के ऊपर, तो बाकी तभी तोड़ लिए गए हैं। तो अलग अलग प्रकार की बागवानी भी है पीछे, यहाँ मौसमी के भी पेड़ लगा रखे हैं, सारे साग सब्जियाँ यहीं पर उगाई जाती हैं, सारी साग सब्जियाँ। ये खास बात है कि रोगियों के लिए करीब 10-15 प्रकार के अलग अलग प्रकार पत्ते सलाद के लिए, फिर उनके लिए सब्जियाँ और जूस और कुछ तो फल भी, अभी पपीता आदि और पपीता मौसमी और ये नींबू, पपीता मौसमी नींबू का काफी प्रयोग करते हैं यहाँ पर लगा दिया है। तो वो यहीं पर लगा दिया है, कुछ बेर आदि भी लगाए हैं, कुछ वैसे आम आदि भी है, लेकिन आम आदि ज्यादा नहीं खिलाता हमारे डॉक्टर साहब क्योंकि लोग बाकी तो फल आदि खा करके बहुत तगड़े तगड़े हो जाते हैं। केला जरूर खिलाते हैं ना, केला की विशेष परिस्थिति में, विशेष उस अवस्था में, वैसे वैसे मोटापा नहीं बढ़ता है, लोगों को भ्रांति है कि केला खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, वैसे कोई ज्यादा खाए, अब 2-2 दर्जन खाएगा तो मोटा होगा। रोटी खाए तो अपना ही है, यहाँ पर दूध, अपने साग सब्जियाँ, मैंने पूरे आदर्श उपचार की पूरी व्यवस्था यहाँ, ऑर्गेनिक खेती जिसको कहते हैं, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के नेतृत्व में हम लोग करीब पिछले 25 वर्षों से साथ में पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी और हम गुरुकुलों में पढ़े, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जो है, आचार्य बाक्षण जी महाराज, तो हम सब लोग फिर पूज्य गुरुदेव श्रद्धे आचार्य प्रद्युम्न जी से लेकर के अब जिनका शरीर पूरा हो गया, ऐसे श्रद्धे पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरण आचार्य बलदेव जी महाराज जी आदि से हम लोग साथ ही पढ़े और बस भगवान ने सेवा में लगा दिया, करोड़ों देशवासियों का साथ मिला और आज योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, कुदरती खेती, गो सेवा और वैदिक संस्कृति के विभिन्न प्रकार, चाहे वो वैदिक गुरुकुलम है, वैदिक कन्या गुरुकुलम है, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, वैदिक संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में पतंजलि योगपीठ आज विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। और इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, प्राकृतिक चिकित्सा के इस महातीर्थ पतंजलि योगपीठ में, योग ग्राम में, ये सेवा की सारी गतिविधियाँ आप करोड़ों देशवासियों के सहयोग से, समर्थन से आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो स्वदेशी का कार्य भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, पूरे देश में एक सेलिब्रेशन, जश्न का वातावरण है, करोड़ों लोगों को प्राउड फील हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी मुहिम चली है स्वदेशी की, जो थॉट्स और प्रिंसिपल्स में स्वदेशी का संकल्प हुआ करता था वो जमीन पर व्यवहारिक रूप से विदेशी कंपनियों के मुकाबले खड़ा ही नहीं हुआ, अब उनको पछाड़ दिया है, उनको परास्त करके करीब करीब 99% विदेशी कंपनियों का आज पतंजलि शीर्षासन करा चुका है। और आने वाले 3 से 5 वर्षों में देश ही नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा, यदि हम सबसे बड़ा कहते हैं तो वो भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ये सात्विक ब्रांड होगा, जिसमें उद्देश्य कमाई करने का नहीं, लोगों की भलाई करने का होगा, व्यापार का नहीं, उपकार का होगा, क्योंकि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% चैरिटी के लिए होगा। और उसमें भी हमने 2 चीज़ों पर मुख्य फोकस किया है, एक एजुकेशन और दूसरा गो सेवा। गो सेवा में हम लोग करीब 500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और एजुकेशन में तो चरणबद्ध तरीके से करीब
500 करोड़ रुपए से शुरू करके 25,000 करोड़ रुपए तक हम खर्च करेंगे। जैसे पहले करोड़ों देशवासियों ने साथ दिया, आगे भी साथ देंगे और हम सब मिल करके इस देश को परम वैभवशाली बनाएंगे। जब भारत ज्ञान शक्ति में सर्वोच्च था तब पूरे विश्व का नेतृत्व किया करता था। तो इस भारत को हमें ज्ञान शक्ति में, अर्थ शक्ति में, सैन्य शक्ति में सब प्रकार से परम वैभवशाली बनाना है, जो हमारे महापुरुषों का सपना था। और अपने आंखों के सामने, अपने हाथों से जब हम ऐसा ही गौरवशाली भारत बनाएंगे तो हम सबको गौरव फील होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने देश पर, अपने देश की संस्कृति पर, अपने ज्ञान परंपरा पर गौरव होगा, स्वाभिमान होगा। पूरी दुनिया आज नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक एंड नेचुरल लाइफ स्टाइल, नैसर्गिक जीवन पद्धति की ओर पूरी दुनिया लौट रही है। और ये जो नैसर्गिक प्राकृतिक जो जीवन पद्धति है, इसी को ही प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति माने, वो एक जीवन पद्धति भी है और एक चिकित्सा पद्धति भी है। और इसके द्वारा आप घर में भी कैसे उपचार ले सकते हैं और यह आकर के कैसे आरोग्य लाभ ले सकते हैं, ये हमारे आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी होंगी डॉक्टर? 25 पुस्तकें, करीब 25 पुस्तकें लिखी हैं। और अभी तक 300 शोध लेख हैं। और यहाँ योगाग्राम में लगभग 1,00,000 रोगियों को आरोग्य दे चुके हैं और पूरे जिंदगी में तो कई लाख हो गए होंगे, कई लाख रोगियों को आरोग्य दे चुके हैं। तो आपको इस नेचुरोपैथ के बारे में किस तरह से आप हवा से, मिट्टी से, पानी से अपना उपचार कर सकते हैं, बिना भी औषधि ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्य विहीन से भेषजानम शतैरपि, माने आप खान पान को ठीक करके भी अपने उपचार को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आहार से हमारा फिजिकल बॉडी और विचार से हमारा भावनात्मक अस्तित्व तैयार होता है। और आहार विचार दो ठीक कर लिए तो जैसा आहार विचार होता है वैसे हमारा शरीर और हमारा संसार तैयार हो जाता है। तो घर में रह करके भी आप किस तरह से नैसर्गिक उपचार ले सकते हैं और यहाँ आकर के कैसे आप एक नया जीवन पा सकते हैं, डॉक्टर नीरज जी आपको बताएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा विश्व की एक महानतम चिकित्सा पद्धति है और यही कारण है कि प्राकृतिक चिकित्सा आज पूरे विश्व में, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मान्यता प्राप्त कर रही है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारा जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसके द्वारा हम मात्र हम शरीर का ही नहीं करते हैं, शरीर का ही शोधन और चिकित्सा नहीं करते हैं, बल्कि मन की, आत्मा की, चेतना की, क्योंकि इसका मूल जो आधार है वह हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता और परंपरा से जुड़ा हुआ है। और इसकी जो है मूल जो धारणा है भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भवति दुखः, यानी जिस व्यक्ति का आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार सही है वो कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता है, कभी रोगी नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति को कभी बीमार नहीं हो सकता है। और प्राकृतिक चिकित्सा का यही मूल आधार है, आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार। अभी जैसा स्वामी जी ने कहा था ठीक वैसा ही आयुर्वेद में एक मंत्र है, पथ्य सती गदा तस्य किम औषध निस्वनई, पथ्य सती गदा तस्य किम औषध निस्वनई। यदि आपका आहार सही है तो दवा की क्या जरूरत है, और यदि आहार सही नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता है। तो वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा में हम आहार पर विशेष बल देते हैं, फिर विचार पर बल देते हैं, क्योंकि विचार कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी हैं अपने विचारों के सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है और ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ही एक सिस्टम है कि भाई ये पद्धति मात्र ऐसे पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में धीरे धीरे प्रचारित हो रही है। और उसका एक महान केंद्र, महान तीर्थ स्थान हमारा योगग्राम बन गया है, जो परम श्रद्धे स्वामी जी, मुक्तानंद जी, आचार्य श्री बालकृष्ण जी के निर्देशन में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और शानदार तरीके से उन्होंने जो हमें एक जिम्मेवारी दी है उसे उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के ये केंद्र जो है एक अपूर्व विकास के आकाश को, अपने ढंग से विकास के आकाश को छू रहा है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में मात्र यहाँ पर हम उपचार ही नहीं देते हैं,
बल्कि जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है, अद्वितीय प्रयोग चल रहा है। सुबह से शाम तक, यानी सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि को 9:30 बजे तक रोगियों को कैसे हमें रहना चाहिए, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, वे ऑफ बिहेवियर, सभी कुछ पूरे साइंटिफिक तरीके से, पूरे वैज्ञानिक तरीके से उसे बताया जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में आज विश्व में बहुत ही अद्भुत खोजें हो रही हैं, अद्भुत जो सृजनात्मक रचनात्मक खोजें हो रही हैं, और उन सब का हमने यहाँ इस केंद्र में समन्वय किया है। और यह केंद्र अपने ढंग का एक अद्वितीय है, अद्भुत है, इसलिए कि यहाँ पर जो भी हमने अलग अलग ट्रीटमेंट सेक्शन हमने जो है रखे हैं, पंचकर्म चिकित्सा हमारी प्राचीन आयुर्वेद, आयुर्वेद का अर्थ ही होता है जहाँ पर हमारे उम्र को, स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, पॉजिटिव साइंस है, एक रचनात्मक विज्ञान है स्वास्थ्य का, तो यहाँ पर बताया जाता है उसका जो मूल आधार है पंचकर्मा, जो प्राकृतिक चिकित्सा के साथ बहुत ही गहरा उसका संबंध है, उसे हमने यहाँ पर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। उसी प्रकार से अभी हमारा होलिस्टिक थेरेपी, जिसमें नाना प्रकार के लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम जो है यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किए हैं और उससे काफ़ी लोग जो है लाभ उठा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो पंच महाभूत चिकित्सा है, जिसमें हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, और उसी पंच महाभूतों से इस शरीर का निर्माण होता है, उसी पंच महाभूतों से आपके जीवन में स्वास्थ्य का, आरोग्य का, आनंद का, उल्लास का प्रकाश फैलता है, तो वह मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा के हम यहाँ पर बहुत ही आधुनिकतम व्यवस्था किए हुए हैं, जिसमें जो है आपके मड पूल, ये हिंदुस्तान का एक अपूर्व जो है पूल बना हुआ है, जहाँ पर हम रोगियों को मड से स्नान कराते हैं, मड में तैराते हैं, मड से मालिश करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पंचभूतात्मक में मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है। तो इस मिट्टी चिकित्सा का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भी मिट्टी है, हमारे शरीर भी मिट्टी है, दोनों जब मिट्टी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को बड़ा सहयोग करते हैं। जैसे कोई हिंदुस्तान के बाहर जाता है, दो हिंदुस्तानी मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, तो उसी प्रकार से मिट्टी मिट्टी आपस में मिल करके मिट्टी चिकित्सा, समस्त जो विजातीय पदार्थ है, यानी सजातीय होने से हमें तो शक्ति देता है, स्वास्थ्य देता है, और जो विजातीय तत्व है उसे अच्छी तरह से कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है। इतना ही नहीं, मिट्टी चिकित्सा में और बड़े दिव्य गुण हैं, हम मिट्टी चिकित्सा के बहुत सारे प्रयोग करते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की जो है पट्टियाँ हैं, पेट की पट्टी है, आँख की पट्टी है, सिर की पट्टी है, रीढ़ की पट्टी है, जिसमें जो है नाना, जैसे पेट संबंधी बीमारी में पेट की मट्टी पट्टी रखते हैं, आपके मानसिक रोग है जैसे डिप्रेशन है, आपके साइकोसिस है, आपके पैरानोइया है, ऑब्सेसिव माइंड है, आपके कंपल्सिव डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर है, इन सब में मिट्टी चिकित्सा का हमने देखा है कि बड़ी एक राहत देता है। उसी प्रकार से आपके ब्लड प्रेशर है, उसमें है स्किन डिजीज में बहुत ही कमाल का काम करता है मिट्टी चिकित्सा। तो ये मिट्टी चिकित्सा हमारा एक यहाँ पर बहुत बड़ा, हमने एक अलग सेक्शन रखा हुआ है मड थेरेपी सेक्शन। उसी प्रकार से हाइड्रोथेरेपी सेक्शन में कम से कम 125 हमारे टेक्निक हैं, जिसमें आपके सौना बात है, स्टीम बात है, आपके सर्कुलर बात है, व्हर्लपूल है, जेट स्प्रे पैनल बात है, हीप बात है, तो ये बहुत सारे टेक्निक हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं अलग अलग रोगों में। जैसे हीप बात है, हीप बात पेट संबंधी समस्त बीमारियों में बहुत ही कमाल का काम करता है। उसी प्रकार से स्पाइनल बात है, रीढ़ संबंधी बीमारियों में, स्नायु संबंधी, नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों में, जो डिजेनरेटिव रोग है, जैसे आपके पार्किंसन है, डिमेंशिया है, तो उसमें जो है ये लाभ करता है। जो प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसमें राहत जरूर मिलती है। तो इस प्रकार से जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा में हाइड्रोथेरेपी का बहुत, क्योंकि हमारा शरीर करीब 2/3 हिस्सा, यानी यदि व्यक्ति 70 किलो का है तो उसके शरीर में 45 से 50 किलो आपके जो है पानी है, इसलिए शरीर जिस प्रकार पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जल है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 2/3 हिस्सा जल है, और प्राकृतिक चिकित्सा में भी 2/3 हिस्सा जल चिकित्सा है, और इस जल का विविध रूपों में हम प्रयोग करते हैं और उसका जो है बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मिट्टी, पानी, धूप, ये जो हमारा धूप स्नान है, इसके भी हम बहुत सारे टेक्निक हमने जो है यहाँ पर ईजाद किए हैं, जिससे आपके मिट्टी चिकित्सा पर ये हमारी परिकल्पना थी
मडपुल का, और मडपुल हमने बनाया है, ये कहीं भी किसी भी चिकित्सा केंद्र में आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जो है आपके हम विशेष रूप से एक हाइड्रो रिफ्लेक्स जोन थेरेपी देते हैं, ये भी हमारा टेक्निक है जो हमने 1980 के आसपास हमने उसको इजाद किया था। उसमें पानी के अंदर जो है हम पत्थर डालते हैं और उसका में हम व्यक्ति को चलवाते हैं तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे पूरा सिस्टम हमारा जो है रिवाइटलाइज होता है। क्योंकि हमारे पैर और हाथों में अनेक प्रकार के मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो हम स्वतः यानी सेल्फ हम अपने तरीके से चल करके हम कैसे जो है पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, ये आपके जो है उसे हाइड्रो एक्यूप्रेशरियम रिफ्लेक्स जोन, हाइड्रो रिफ्लेक्स जोन थेरेपी हम देते हैं, उसमें जो है बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। उसी प्रकार से जो है हमने जो है एक सूर्य चिकित्सा का एक विशेष रूप से हमने डेवलप किया, कम से कम पैसे में मात्र यानी आपके 100 रुपये में हमने स्टीम बाथ, सावना बाथ, सन बाथ, ये तीनों को हमने जो है समन्वय करके उसका नाम दिया हमने ग्रीन हाउस थर्मोलियम। और ये ग्रीन हाउस थर्मोलियम होता है कि एक प्लास्टिक का पैकेट, प्लास्टिक का जो है आपका थैला जो करीब 7 मीटर लंबा होना चाहिए और गर्दन तक उसको जो है पूरा रैप कर देते हैं, पूरा जो है चारों तरफ से लपेट देते हैं, पैर के चारों तरफ सिर को खूब पानी से तर कर देते हैं और उस तरह गीली पट्टी रखते हैं और धूप में लिटा देते हैं, तो उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे हम अभी ग्लोबल वार्मिंग का हमने नाम सुना होगा, क्योंकि हमारा पूरी पृथ्वी एक प्रकार से ग्रीन हाउस का जो है बन गया है जिसमें गर्मी आती है लेकिन गर्मी जो है बाहर नहीं निकल रही है जिससे हमारा पूरी पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है। उसी प्रकार से शरीर में हम उस इफेक्ट को पैदा करके जैसे सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं और अंदर जो है पूरा शरीर गर्म हो जाता है और गर्म होकर के 4 स्टेज पर उसका प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस किस प्रकार से सावना बाथ, स्टीम बाथ, सन बाथ तीनों का ही हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। और ये 4 स्टेज पर, पहला इसमें न्यूट्रल इफेक्ट होता है जिसमें हमारे शरीर का तापमान और अंदर का तापमान बराबर होता है। फिर उसके बाद जो है उसमें स्वीटिंग इफेक्ट होता है जिसमें जो है पसीना निकलना शुरू होता है। फिर डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट होता है जिसमें जो खूब गर्मी बढ़ती है शरीर से जो भी टॉक्सिक मैटर है, विजातीय पदार्थ है, पर्याप्त मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा सन बाथ का भी लाभ मिल गया। और सन बाथ का इसमें सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि जब प्लास्टिक से होकर गुजर करके जब हमारे शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसके काफ़ी कुछ हानिकारक किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ जो हमारे त्वचा के ठीक नीचे तत्व होता है जिसको 7-dihydrocholesterol बोलते हैं, वो 7-dihydrocholesterol सूर्य की किरणों को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी तत्व जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं वह हमें बनाता है, जिसको हम विटामिन D3 बोलते हैं, वही विटामिन D3 में रूपांतरित हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से सूर्य चिकित्सा का ये एक ग्रीन हाउस थर्मोलियम। उसी प्रकार से हमने जो है एक और चिकित्सा सूर्य चिकित्सा में जिसको बोलते हैं कलर थर्मोलियम, जिसमें अलग अलग रंगों के जो हम कांच में लोगों को बिठाते हैं, जैसे लाल है, हरा है, नीला है, इन सब रंगों का एक बहुत साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है। लाल रंग हमारे अंदर गर्मी पैदा करता है, उष्मा पैदा करता है, हरा रंग हमारे शांति प्रदान करता है, शांति देता है, इसलिए पीला रंग थोड़ा सा सौम्य होता है, नारंगी रंग उसे थोड़ा सा लाल और पीले रंग के मध्य में वो भी उष्मा प्रदान करता है, ब्लू रंग और जो है ठंडी प्रदान करता है, ठंडक। तो इन आधार पर हम कलर थर्मोलियम का प्रयोग करते हैं। पैर के नीचे हमारे यहाँ कहावत है, बड़ी सुंदर कहावत है कि पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, कोई रोग आए तो मारो डंडा। तो ये जो है बहुत अद्भुत जो है सुंदर कहावत है, इसलिए जो है क्योंकि पैर को गर्म रखने के लिए नीचे हम क्या करते हैं कि लाल रंग का जो है पट्टी लगाते हैं, बीच में पेट को ठंडा करने के लिए ब्लू रंग और ग्रीन रंग का कलर लगाते हैं, आपके छाती पर जो है क्योंकि कफ वगैरह ये जिनके होता है तो वहाँ पर हम पीले रंग का, और फिर सिर पर नीला या बैंगनी रंग का लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। तो इस प्रकार से कलर थर्मोलियम का हम प्रयोग करते हैं। तो सूर्य चिकित्सा, इसके अतिरिक्त सूर्य चिकित्सा के लिए हम और भी प्रयोग करते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं। और मैं कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ कि प्रायः लोग सूर्य की कमी के अभाव से ग्रस्त हैं, जिसके कारण जो है लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया है। इसके अतिरिक्त सूर्य का एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि उससे
जो माता पिता बनना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि सूर्य स्नान लेने से स्पर्म यानी जो हमारा शुक्राणु है और महिलाओं का जो अंडाणु है वो बहुत शक्तिशाली होता है और उसके दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वह कर्ण की तरह वीर होता है, कर्ण की तरह प्रतापी होता है, कर्ण की तरह दानी होता है, कर्ण की तरह संयमी होता है। और हम इस प्रकार से जो है इस सूर्य चिकित्सा का ये भी हम लाभ ले सकते हैं। यदि जो माता पिता बनना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि रोज प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट सूर्य स्नान अवश्य लें सुबह के समय, क्योंकि सुबह के समय ही सूर्य स्नान लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर में हमारा जो इस धरती के ऊपर जो अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग जो एटमोस्फेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, जिसको आपको जो है स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ओजोन स्फीयर बोलते हैं, आपके जो इस प्रकार से जो है एक्सोस्फीयर बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं, तो ये अलग अलग जो है वातावरण है। तो यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर की दूरी पर एक ओजन की परमात्मा ने ऐसी छतरी बांध लगा रखी है जिससे हानिकारक किरणें वो छन जाती हैं। तो सुबह के समय वो ओजन की जो छतरी होती है, ओजन का जो लेयर होता है वो बहुत गहरा होता है, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे दोपहर में वो लेयर कम होता जाता है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें, सूर्य में भी तीन प्रकार की किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो अल्ट्रावायलेट ए जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, जिससे हमारे अंदर झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे हमारा पिगमेंटेशन हो जाता है। तो इसलिए सुबह के समय जो उपयोगी किरणें हैं जो सुबह के समय हमारे शरीर में पड़ती हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो सुबह के समय यानी जब सूर्योदय होता है उसके आधे पौन घंटे के बाद व्यक्ति को जो है आधा पौन घंटे तक, एक घंटे तक सूर्य स्नान ले करके, और फिर सूर्य स्नान लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि सिर पर गीला तौलिया अवश्य रखें, 2-3 गिलास पानी पी लें ताकि हमारे शरीर से जो है जो डिहाइड्रेशन होता है, जो सूर्य की किरणों के द्वारा जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है विकार लेकर के, वह जो है उसका कमी नहीं हो, उसकी आपूर्ति होती रहे। तो डिहाइड्रेशन के लिए पहले से ही ओरल डिहाइड्रेशन कर लेना चाहिए, 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि आपको कमजोरी भी नहीं आएगी। नहीं तो बिना आप पानी पिए या बिना सिर पर गीला तौलिया रखे यदि आप सूर्य स्नान लेते हैं तो चक्कर आ सकता है, आप के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए सूर्य स्नान लेने के पहले 2-3 गिलास पानी अवश्य पिए। प्राकृतिक चिकित्सा में पंचभूतात्मक चिकित्सा के अंतर्गत अभी हमने जल, मिट्टी और सूर्य के विषय में, अग्नि तत्व के विषय में चर्चा की। इसके अतिरिक्त जो है आपके हमारे यहाँ आकाश तत्वों का विशेष रूप से जो है उसमें उपयोग होता है। आकाश तत्वों के अंतर्गत हम तीन प्रयोग कराते हैं विशेष रूप से, आकाश यानी स्पेस, खालीपन। तो अपने शरीर के अंदर भी खालीपन पैदा करना है, मन के अंदर भी खालीपन पैदा करना है, तभी हम सही अर्थों में, क्योंकि स्वास्थ्य का यही अर्थ होता है स्वयं स्थित हो जाना, यानी स्वस्थ, दैट वन हु हैज रिस्ट हिमसेल्फ, जो अपने अंदर सड़क गया वही स्वस्थ है। इसके लिए हम उपवास कराते हैं, उपवास का अर्थ ही होता है स्वास्थ्य, और इसे हम आकाश तत्व का सेवन करते हैं। रूप में नजदीक, वास में होना, अपने नजदीक होना, स्वास्थ्य का भी यह अर्थ होता है स्वामी स्थित होना। इसलिए उपवास और स्वास्थ्य के बीच बहुत गहरा संबंध है, और उपवास के लिए मैं कहना चाहूँगा, सबको संदेश देना चाहूँगा, जैसे आप सप्ताह में एक दिन छुट्टी मनाते हैं तो कम से कम पेट को भी एक दिन आपने छुट्टी दीजिए और देखिए आपका शरीर कितना सुंदर स्वस्थ रहता है, क्योंकि पेट जो है मूल आधार है आपके स्वास्थ्य का। पेट जितना स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, शरीर भी उतना ही स्वस्थ और सशक्त होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हम छुट्टी क्यों लेते हैं, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, वैसे ही पेट की छुट्टी देंगे तो पेट की जितने भी अंग हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, उनसे निकलने वाले जो रस हैं, उनसे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, उन ग्रंथियों को भी अवकाश मिल जाता है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वह बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए जो है ये हमें ध्यान रखना है कि उपवास का हमें जीवन के साथ जोड़ना है। सप्ताह में कम से कम एक दिन रह सकें तो पानी पर रहें, नहीं रह सकते हैं नींबू पानी पर रहें, नहीं रह सकते नींबू पानी सेहत पर रहें, फल पर रहें, रस पर रहें, तो एक दिन भी यदि हम अवकाश देते हैं तो पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट मिल जाता है, सेंसरी रेस्ट मिल जाता है, फिजियोलॉजिकल रेस्ट मिल जाता है, मेंटली रेस्ट मिल जाता है, यानी हर प्रकार से हमें विश्राम मिलता है और उसकी हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हम मौन का प्रयोग कराते हैं, जब हम उपवास कराते हैं, कंप्लीट फास्टिंग कराते हैं तो मौन कराते हैं। मौन का भी अर्थ यही होता है
मौन मौन का अर्थ होता है मन का विसर्जन, मन अब रहा ही नहीं, मन विदा हो चुका है, इसी से मुनि बना है। मुनि वह है जिससे जो जिसका मन अब रहा नहीं, तो ये हम प्रयोग कराते हैं, ध्यान और मौन का प्रयोग कराते हैं जिससे जो है हमारे मन खाली हो जाता है। क्योंकि मन सबसे ज़्यादा मन को खुराक मिलती है, विचार को खुराक मिलती है, तो उस विचार को हम शांत रखते हैं तो वह बहुत ही सक्रिय होता है, बहुत ही उसकी शक्ति बढ़ जाती है मन की, और हम जो चाहें हम प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो है, हम यदि विचार भी करें तो हमारे विचार का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। हम कहते हैं कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग करिए, नकारात्मक थिंकिंग नहीं, हमेशा जो है सकारात्मक, डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, द पावर ऑफ लाइफ इज फ्लोइंग मी, माई बॉडी फीलिंग परफेक्टली विथ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, माई बॉडी रिसीव्स ए परफेक्ट फीलिंग। ये बोध जितना अपने अंदर भरते रहेंगे, ये जितने अपने विचार अपने अंदर भरते रहेंगे, आपका शरीर स्वतः स्वस्थ होता चला जाता है। क्योंकि हम जो कुछ भी हैं विचार के सिवा कुछ नहीं है। थॉट्स बिकम्स रियलिटी, यानी विचार ही आपकी वास्तविकता में बदल जाती है, विचार ही आपकी सच्चाई में बदल जाती है। तो सुंदर स्वस्थ विचार करेंगे तो अपने आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। उसी प्रकार से जो है आकाश तत्व के अतिरिक्त जो है हमें आपके मिट्टी पानी धूप आकाश वायु चिकित्सा, और वायु चिकित्सा के लिए हम उसका कमाल हम देख रहे हैं। परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी ने इस वायु के प्रयोग के कितने सुंदर पूरे विश्व में फैलाया है प्राणायाम के द्वारा, और इस प्राणायाम के द्वारा वायु के चमत्कार ही है कि आज करोड़ों करोड़ लोग अपनी जो है रोगों से मुक्त होकर के एक नया जीवन जी रहे हैं, एक अपने जीवन के सुंदरतम रास्ता जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया है, पथ प्रशस्त कर रहे हैं। तो इसलिए जो है प्राणायाम हम अभ्यंतर यानी अपने अंदर जो है वायु का प्रयोग करके हम वायु चिकित्सा देते हैं। बाह्य रूप में हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके प्रकृति के साहचर्य में जाइए, प्रकृति के नज़दीक जाइए, प्रकृति के गोद में जाइए, तो उसे हमारी प्रकृति माता हमारे शरीर का कठोरीकरण करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है, और इस प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है तो हम कभी बीमार नहीं होते हैं, हर दृष्टि से हम स्वस्थ होते हैं। तो हमारी डिवाइन वाइटलिटी इनेट इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का बहुत सुंदर प्रयोग है वायु चिकित्सा। जैसा कि हम देखते हैं कि बनवासी भाई जितने भी होते हैं, बनवासी भाई बहन हैं, प्रकृति के जिस सीधे संपर्क में रहते हैं, और उनको जो है शरीर कितना अच्छा स्वस्थ होता है, कितनी अच्छा जो उनकी जो है शरीर होता है, तो माँ प्रकृति का साहचर्य मिलने से हमारा तन मन पूरा स्वस्थ होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञान की बातें, बहुत सारे प्रयोग सुबह शाम एक एक घंटे हम लोगों को बताते हैं कि वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ ए कल्टिवेशन ऑफ हैबिट क्या होना चाहिए। क्योंकि आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार ये सबसे महत्वपूर्ण है, चिकित्सा का मूल आधार है, और ये आधार यदि हम सही कर लें तो स्वस्थ होना सहज है, सरल है, बीमार होना मुश्किल है। बीमार के लिए लोग तरसते हैं कि कब हम बीमार हों, स्वास्थ्य इतना अच्छी तरह मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।